लेकर आए हैं ठीक है चीके? तो जल्दी जल्दी क्लास को शुरू करते हैं बच्चा तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेती हूँ इस तरह से जूम ओके। जूम ओके ठीक है है आई गेस इतना तो दिखाई दे रहा है। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है इतना जूम बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है चलो बच्चा तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और चिनमे जो है वो मुझे अभी लग रहा है कहेगा मैम प्लीज आप है ना ये सब मुझसे ना आ, क्या बोलते हैं इसको जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं करूंगा मैं यहाँ पर चलो बच्चा नाउ डैश इज अ रोडेंट एंड इट फीड्स बाय रोडेंट क्या होते हैं बेटा जैसे आपको मैंने बताया भी था जब हम लोगों ने फंक्शनल ऑफ बॉडी पार्ट पढ़े थे और मैंने आपको अलग अलग जो तीथ होते हैं ना उनके फंक्शन बताए थे तो मैंने आपको बोला था बेटा टीथ जो होते हैं उनकी मोफोलॉजी या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट तो जैसी एनिमल की फीडिंग हैबिट होती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं फाइन बच्चा तो अब यहाँ पर देखो ये रोडेंट पूछ रहा है तो रोडेंट यहाँ पर हमारे पास में है रेड और ये फीड करेगा आ, नॉइंग की है तो नॉइंग का मतलब होता है बेटा चुइंग या फिर बाइटिंग तो आपको मैंने ये बताया होगा बच्चे कि जितने भी रोडेंट्स होते हैं है ना उनके आगे वाले जो दांत होते हैं फाइन यानी कि जो इंसाइंजर होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं क्योंकि वो हमेशा कुतर कुतर के चीजें खाते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सी रैट एंड नोइंग नाउ वट आर देशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूं जब हम लोगों ने मिलिट्री स्कूल का मॉकटेस्ट चलाया था बेटा ठीक है होलो बोन टू रिड्यूस बॉडी मास्क अफकोर्स वेदर कवरिंग देअर बॉडी अफकोर्स अ स्ट्रीम लाइन बॉडी विथ अ पावरफुल टेल अफकोर्स एंड विंग विथ पावरफुल मसस येस चारों के चारों अडेप्टेशन ऐसे हैं जो कि एक बर्ड को या बर्ड की लाइफ को और इजी बनाते हैं बच्चा तो सेकंड का आंसर हो जाएगा वन टू थ्री फोर चारों के चारों तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चे हैं डी हो जाएगा क्यों भाई स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है क्या ऐसी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं बनाई क्या मैंने बताओ कैसे गलत कर रहे हो मौलिक ये तो क्वेश्चन किए हुए हैं बच्चों ओके चलो ये ना थोड़ा सा इसको हम लोगों ने क्या किया है uh, आपको इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा नाउ एक्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट गिव नेम ऑफ एक्स ऑन अंड स्क्रैम्बलिंग है ना आपको इसको सॉल्व करना है बच्चा और ये आएगा बच्चों आपका कैल्शियम कैल्सियम ठीक है तो कैल्सियम से हमारी हड्डियां और हमारे दांत बने हुए होते हैं चलो ऊपर चलते हैं अब हमारे पास में एक बच्चा है उसका नाम है साइन अबाउट सम एक्शन विच आज वॉलंट्री इन नेचर शी हेज रिटर्न सम इन वॉल्ट्री एक्शन टू पिक दी इन वॉल्ट्री एक्शन रिटर्न बाई सानिया फ्रॉम दिस्ट गिव इन बिलो सिंपल है बेटा इसको ऐसे समझो वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जैसे मेरा बोलना मेरे कंट्रोल में बेटा मैं नहीं मैं नहीं बोलूंगी मेरा हाथ का मूवमेंट है ये वॉलेंट्री है मसल्स वगैरह ये जो है ना ये सब मेरी वॉलेंट्री है लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो कि वॉल्ट्री नहीं होती है जो हमारी इच्छा के बिना भी हो रही हैं। तो आपको इस लिस्ट में से वो सब चुनना है मैंने आपको बहुत बार बताया बच्चों जब भी आपको इस तरह की लिस्ट दी जाती है आप पहले अपने आंसर को टिक करो और फिर ऑप्शंस की तरफ जाओ चलो चुइंग फूड नहीं बेटा ये इनवॉलेंट्री नहीं है मेरी मर्जी होगी तो मैं चबाऊंगी मेरी मर्जी होगी तो मैं नहीं चबाऊंगी ओके सिटिंग अपराइट ऑन दी टेबल नहीं डाइजेशन ऑफ फूड अफकोर्स बीटिंग ऑफ हार्ट अफकोर्स सिंगिंग अ सॉन्ग नहीं डांसिंग नहीं ब्रीदिंग तो यहां पे थर्ड फोर्थ और हमारे पास में है सेवेंथ देखो कहाँ है थर्ड फोर्थ और सेवेंथ ऑप्शन नंबर बी हो गया क्लियर हो गया फाइन चलो बिल्कुल हार्ट अपने आप बीट करता है बेटा हमारा डाइजेशन होता है हम लोग अपने आप पे, अपने आप ब्रीद कर रहे हैं है ना ठीक है सो so, यहां पर थर्ड uh, फोर्थ और जो सेवेंथ है हमारा वो यहां पर आएगा क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब आपको आराम से दिख रहा होगा बच्चों ये चलो प्लांट एक्स विल बी एब्सेंट इन प्लांट न्यू प्लांट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड तो ऐसा कौन सा पार्ट है बेटा जिसके बिना हमारे प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता और वो पार्ट है हमारा फ्लावर फ्लावर जो होता है बेटा वो हमारे पार्ट प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ठीक है चलो अब हमारे पास में एक यहाँ पेड़ दे दिया बच्चा नाउ डैश इज प्लांट दैट डिस्पर्स इज इट सीड बाय सेम एजेंसी एज प्लांट शोन हियर तो अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है वो देखो मैं तुमको बता देती हूं यहाँ पे मुझे फ्रूट्स दिख रहे हैं गुड तो जो बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं बेटा वो एनिमल के थ्रू डिस्पर्स होते हैं हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल खाया और एप्पल के सीड्स को इसी तरह से बिखेर दिया तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी मैंगो हम लोगों ने बेटा क्या खाया आम खाया और आम की गुटली को फेंक दिया ठीक है आम की गुटली को फेंक दिया अब वहां से आम निकल जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं एनिमल डिस्पोजल है गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके से आया है बेटा जीके से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है द ताजमहल जो है वो किसने बनाया था ताजमहल बनाया था बच्चों 1632 में शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए गुड शाहजहां के बारे में इवन हम लोगों ने ताजमहल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं वन ऑफ द सेवन वंडर भी है आगरा के अंदर है पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है मार्बल कहाँ से गया था डिज़ाइन किसने किया है ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं ओके सो आई थिंक दिस इज नो नीड टू डिस्कस इट मोर फर्दर चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं नाउ विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा ये सिर्फ साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज है बेटा उनका मिला हुआ एक एसोसिएशन है और इसका जो हेडक्वार्टर uh, है बेटा वो काठमांडू के अंदर है ये मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको अब ये पूछा गया है बेटा विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क तो उसका जवाब आ जाएगा बेटा जापान जापान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो साउथ एशियन नहीं है एशियन है पर साउथ एशियन नहीं है वेयर इज आगरा आगरा इज इन यूपी ना यूपी के अंदर है बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं उनकी वाइफ का नाम था बेटा मुमताज ठीक है तो मुमताज जो है मुमताज महल के याद में बेटा उन्होंने ये ताजमहल उनके लिए बनाया है ये एक टूम है गुड चलो नेक्स्ट पंचतंत्र वॉज रिटन बाय पंचतंत्र किसने लिखी है बताओ पंचतंत्र किसने लिखी है ये तो बहुत कॉमन बुक है जो मैंने आपको करवाई हुई भी, भी है तो पंचतंत्र लिखी है बेटा विष्णु शर्मा ने है ना हमेशा रोज एक बुक से क्वेश्चन आता है तो मैं आपको रोज एक क्वेश्चन करवा रही हूं ठीक है ना झूम क्या है झूम क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ कल्टिवेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन ठीक है झूम खेती एक और एक खेती नहीं खेती होता है और हम लोग एक और चीज बोलते हैं स्लैश एंड बर्न ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ दैट इज कनिष्का सेवेंटी टू एटी एडी के अंदर बेटा एनो डोमिनी के अंदर ये फोर्थ काउंसिल हुई थी तो बच्चों जो हमारी बुदDIST काउंसिल है है ना इवन जैन काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाए भी भी हैं हम लोगों ने जब आरएमएस का पूरा मॉक टेस्ट किया था तब भी करवाया था बेटा तो ये जो हमेशा आ, हम ऐसे बोलते हैं ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते एक तो काउंसिल कहां हुई थी वो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो काउंसिल कहां हुई है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ हुई थी और दूसरी वो किस राजा ने करवाई थी तो वो आपको पता होना चाहिए ओके okay, बढ़िया एडमिट कार्ड आ गया तो चलो बेटा अब ये हमारे पास में एंशियंट धर्म से एंशियंट जो रिलीजन है बेटा एक और क्वेश्चन आया है द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड प्रीचर ऑफ शैव सेक्ट है ना शैव धर्म हम लोगों ने पढ़ा है बेटा वहां के सबसे अच्छे सबसे बड़े फिलोसोफर और प्रीचर हुए बेटा शंकराचार्य ठीक है अब शंकराचार्य से भी रिलेटेड एक चीज मैंने आपको जरूर जरूर पढ़ाई है अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है शंकराचार्य से रिलेटेड चलो ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा नंबर इस साल RMS में आया हुआ है है ना यहाँ पर वेन इट इज सिक्स ए एम ऑन जीरो डिग्री मेरिडियन जीरो डिग्री मेरिडियन हमारे लिए बोल रहा है भैया ये प्राइम मेरिडियन है ठीक है प्राइम मेरिडियन पे बेटा जीरो डिग्री है

तो छह के अंदर आप साढ़े पांच घंटे तो आपके पास में आ जाएगा बस इतना ही करना है। है, है, की जगह आपको भी भी दी जा सकती है। सेम चीज़ है, बिल्कुल भी मत होना। ठीक लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा विच ऑफ दोसे फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली तो रिफ्ट वैली कैसी बनती है बेटा सेस्मिक एक्टिविटी से तो हमारा हो गया हमारा लैंड स्लाइडिंग हो गई हमारा अर्थ को एक आ गया बेटा ये सब सेस्मिक एक्टिविटीज है जिनकी वजह से क्या होता है वैली का मतलब क्या होता है दरार आना ठीक है तो ऐसे हम बोलते हैं कि जो हमारा लैंड है ना बेटा वो ऐसे अलग हो जाता है और बीच में जो जगह आ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं वैली ठीक है अगर वहां से नदी निकल गई तो हम उसे क्या बोलेंगे रिवर वैली इतना ही सिंपल है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है चलो बच्चे ओके okay, चलो अब ये हमारे पास में बेटा एक प्लांट की फोटो आपको दी हुई है नाउ ओके अगेन हम लोग कोड को सेलेक्ट करेंगे बच्चों चलो ये प्लांट दिया हुआ है बेटा और प्लांट लोटस है आपको दिखने से पता चल रहा है लोटस है हमारे पास में ठीक है नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर टू एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट टू होल्ड प्लांट फर्मली टू दॉइल ये तो नहीं होगा बेटा और टू स्टोर फूड फॉर प्लांट है ना तो हम ये देखेंगे कि क्या जो स्टोर कर सकती है क्या रूट जो है तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता बेटा तो क्वेश्चन नंबर का सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि एक तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजी है बहुत चलो अब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा आप मुझे बताओ कि देखो क्या किया है ना हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल एक स्टील का ब्लॉक लिया बेटा फाइन ये एक्स है बेटा ये वाई है मतलब इसके दो पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं सबसे एंड सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट हम लोगों ने मार्क कर दिए एक्स और वाई ठीक है बच्चा अब यहां पर मैंने क्या लिया ना एक मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है मैग्नेट के दो पोल होते हैं बच्चा साउथ पोल और नॉर्थ पोल ठीक है तो कैसा मैग्नेट है ना ये देखो ऐसा मैग्नेट है मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है ओके हाय भवानी ठीक है ओके तो अब यहां पर क्या किया बच्चों कि हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया और उसको इस तरह से ना मूव किया इस डायरेक्शन के अंदर तो आपको बोलना है एक्स क्या बनेगा और वाई क्या बनेगा तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है यहाँ पर क्या आ जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टॉकिंग uh, कर रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल के ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा साउथ तो ये क्या हो गया एक्स हो गया हमारा नॉर्थ और वाई हो गया हमारा साउथ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो वो कमल से थोड़ी ना निकलती वो तो अलग होती है वो अलग होती है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंटीन क्वेश्चन नाउ अभी देखो हमारे पास में ना दो ग्रुप्स है ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है बेटा क्योंकि मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स जो है वो करवाए हुए हैं बड़ा क्वेश्चन है ना इसको नीचे ले लेते हैं ओके बच्चा तो अब देखो इसमें क्या किया है प्लांट स्टोर एक्सेस शुगर एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट करते हैं हम लोगों ने देखा है स्टोरिंग पार्ट होते हैं अब यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं टर्निप स्वीट पोटैटो रेडिश सोयाबीन ग्रीन बी और चिक पी तो बी हमारे पास में मेनली ग्रुप बी के अंदर क्या है बेटा बीन्स हैं है ना और टर्निप स्वीट पोटैटो रेडिश ये हमारे अंडरग्राउंड पार्ट है ना अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकते हैं अंडरग्राउंड रूट भी हो सकती है तो हम लोगों को यहाँ पर इसको क्या करना है अरेंज करना है देखो तो टर्निप हमारा क्या है टर्निप हमारे लिए है बेटा टर्निप जो होती है वो क्या रहती है हमारी रूट रहती है फाइन और उसके बाद में हमारा स्वीट पोटैटो रूट है रेडिश हमारी रूट है गुड अब हमको क्या करना है अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सॉरी आइडेंटिफाई अप्रोप्रियट टर्म फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गुड तो देखो इसको क्या करेंगे ना हम लोग इस तरह से करेंगे सबसे पहले हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा सोयाबीन ग्रीन पी और चिकपी तो सोयाबीन क्या होता है लीफ नहीं होती है बेटा हमारे लिए क्या है ये सारी के सारी रूट है और ये सारे के सारे फ्रूट है रूट और फ्रूट ठीक है तो ये क्या हो जाएगा रूट और फ्रूट सेवेंटीन का बी कैसे होता है बेटा अच्छा ये सीड है यस yes, बिल्कुल करेक्ट है मैं sorry, मेरे से गलती होगी थोड़ी सी ठीक है ये सब क्या है रूट है और सीड है बिल्कुल तो चीक पी हमारे ये सब क्या है रूट निकल जाएंगे ये रूट हो गया बेटा टर्निप स्वीट पोटैटो और रेडिश और सोयाबीन ग्रीन बी और चीक पी हमारे लिए हो जाएंगे सीड अब मुझे बताओ बेटा अगर आपके पास में पोटैटो होता है ना मैं लिख देती हूं यहाँ पे तुम मुझे बताओ पटेटो होता हमारे पास में एक हमारे पास में आ, जिंजर होता जिंजर होता तो तुम्हारा आंसर चेंज होता क्या अगर मैंने तुमको ग्रुप ए के अंदर सेम चीजें दी है पटेटो और जिंजर कर दिया तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज होता हाँ या ना मैं जवाब दो मुझे होता तो अब मुझे इसके हिसाब से आंसर बताओ ओहो प्रथमेश क्लास में बातें कर रहे हो रिपीट क्वेश्चन सिक्सटीन अभी कर दूंगी बेटा अभी करती रुको पांच मिनट है ना पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने स्वीट पोटैटो की जगह पोटैटो रखा होता और एक जिंजर मैं यहां पर रख देती तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होता फिर तुम्हारा आंसर हो जाता बेटा अंडरग्राउंड स्टेम और हमारा सीट होता ना चेंज क्यों चेंज होता है बेटा क्योंकि हमारा स्वीट पोटैटो जिसे हम लोग शकरकंदी कहते हैं वो एक रूट है और हमारा पोटैटो यानी कि हमारा आलू जो है वो एक स्टेम है गुड चलो अब 18 क्वेश्चन करते हैं पहले 16 ले लू अरे इसमें तो बहुत इजी है बेटा देखो देखो इसमें क्या किया एक मेटल है मतलब हमारे पास में एक स्टील का पूरा का पूरा बार है बच्चों ठीक है अब उसके ऊपर मैंने क्या किया है उसको मैंने चुंबक बनाया मैग्नेट बनाया और मैग्नेट बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा नॉर्थ पोल को सबसे पहले टच किया है तो ये वाला क्या हो जाएगा ये तो नॉर्थ ही बनेगा अब इसको जैसे ही मैंने खींचा तो क्योंकि ये नॉर्थ पोल बन रहा है दूसरा पोल कौन सा होगा साउथ पोल बस इतना ही सिंपल है बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेट नहीं है ये चीजें ओके okay, चलो अब मैं चाहती हूँ प्यारे बच्चों की ये क्वेश्चन आप करो इन शोन बिलो वॉट वुड बी करेक्ट शेप ऑफ द शेडो फॉर्म ऑन स्क्रीन बताओ तो ये हमारे पास में बेटा एक टॉर्च है ये बुक है रिंग है और ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर शेडो जो है वो कौन से शेप की बनेगी बताओ कौन से शेप की शेडो बना दू यहां पर मैं बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप आ जाएगा ये बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ तक तो रोशनी पहुंच ही नहीं रही है सारी की सारी रोशनी तो इस किताब ने ब्लॉक कर दी तो इसका कोई काम नहीं रहेगा ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तो सीधा इस तरह का शेडो जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनेगा ठीक है ऐसे कैसे बन जाएगा प्रथमेश कहाँ हो तुम शिवांग ने भी बोला है मैडम डी बनेगा क्यों बन जाएगा भैया डी अगर मैंने एक पूरा दरवाजा आगे लगा दिया और उसके पीछे मैं खड़ी हूं इमेजिन करो तो क्या मेरी शेडो बनेगी दीवार की या दरवाजे की शेडो बनेगी दरवाजे की शेडो बनेगी तो रोशनी पहुंच ही नहीं रही है चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं चलो नाउ करवी लाइनिंग एन एग्जाम्पल ऑफ करवी लाइनिंग लीनियर सॉरी करवी लीनियर मोशन इज अब कार एंड बी और बेटा लीनियर सर्क्यूलर कल मतलब मोशन से यह क्वेश्चन हमेशा आ रहा है तो इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो है ना लीनियर मोशन पूछा मैंने कल आपको एक सर् दोनों मोशन के टाइप मैंने आपको बताए थे अब आप मुझे बताओ सर्क्यूलर मोशन क्या होगा बॉल थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल अ कार और ट्रेन मूविंग अलोंग अ कर्व रोड बोथ ए और और बी एक स्ट्रेट रोड पे जाने वाली तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा सी हो जाएगा ऑफ कोर्स। जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे टॉस करेंगे फेंकेंगे तो बॉल का मोशन कैसा होगा इस तरह का है ना बॉल ऐसे कभी क्रिकेट देखते हैं हम लोग तो स्लो मोशन में हमको गेंद आती हुई दिखती है ना तो so, हम लोगों ने देखा वो ऐसे टक 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 घूमते हुए आती है बस दैट इज कर वी लाइंग मोशन नाउ ओके बच्चा नाउ सॉइल है हमारे पास में सॉइल इज फॉर्मड फ्रॉम रॉकी रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ दैट अकर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डैश एंड डैश एक्सेट्रा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वेदरिंग वॉटर एंड विंड वेदरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे सॉइल जो है ना मतलब हमारा जो रॉक है तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ बेटा कि हमारे पास में एक रॉक है है ना अब रॉक के ऊपर जब पानी या हवा टकराती है तो पानी और हवा के फोर्स की वजह से बेटा ये जो रॉक है ना ये धीरे 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 टूटना शुरू हो जाती है और टूटेगी तो ऐसा तो नहीं है एकदम ऐसे हथोड़ा मार दिया और तोड़ दिया नहीं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बेटा इससे अलग होते रहेंगे तो ये क्या होगा ये रॉक जो है इसके आसपास में जो मिट्टी आप देख रहे हो ना वो आई कहां से है वेदरिंग और उसका कारण है वॉटर एंड विंड ये सब मतलब एटमोस्फियर जो होता है उसकी वजह से वेदरिंग होती है नाउ डैश इन दॉइल इज फर्टाइल कंपोनेंट इट इज ह्यूमस नाउ इसके अंदर सारे डीकम्पोस्ट uh, जो मटेरियल होता है बेटा वो ह्यूमस बनाते हैं ना सेलेक्ट दी मैथड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय वॉटर टेरिस फॉर्मिंग विंड ब्रेक्स एम्बैंकमेंट और बोथ ए एंड सी तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड सी टेरिस फार्मिंग आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन जो है वो रुकता है और एम्बैंकमेंट का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल आराम से ना उसके चारों तरफ अच्छे से दीवार वगैरह बना देना उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन रुक जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉटर पॉल्यूशन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मेक वॉटर लेस ट्रांसपेरेंट कॉजिंग डेथ ऑफ सबर्ज एक्वेटिक एनिमल करेक्ट है बेटा पॉल्यूटेड वॉटर कैन कॉज डिजीज लाइक टाइफॉइड तो ये भी करेक्ट हो गया बेटा ये भी करेक्ट हो गया पोलेरा डायबिटीज नाउ पॉल्यूशन डिक्रीजेस डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ वॉटर ओके ये भी सही है और एग्रीकल्चर रन ऑफ पॉल्यूट वाटर बाय एडिंग पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर तो इस सब करेक्ट है तो यहां पर जो गलत आंसर आप हमारे पास में हो गया वो क्या हो जाएगा बेटा लेस ट्रांसपेरेंट कॉजिंग द डेथ ऑफ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स क्योंकि टाइफाइड और कॉलेरा तो उससे होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए हम्म ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा बेटा नहीं देखो मेरी बात सुनो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मेक वाटर लेस ट्रांसपेरेंट कॉजिंग डेथ ऑफ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट नहीं पॉल्यूटेड वाटर से टाइफॉइड कॉलेरा ये सब होता है बिल्कुल सही है पॉल्यूशन डिक्रीज करता है डिजोल्व ऑक्सीजन के कॉन्टेंट को और हमारा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए चलो लास्ट थ्री क्वेश्चंस सॉरी टू क्वेश्चन बच्चे हमारे और ये सा ओके okay. व्हीट हमारा गेहूं जो है बेटा इज यूज़ फॉर मेकिंग चपाती केक ब्रेड और ऑल ऑफ दिस तो हमारे लिए ये सब जो चीज है बेटा इसके लिए आ जाएगा ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये सब चीजें व्हीट से बनती हैं फाइन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉटरवेज डस नॉट पास थ्रू दी पनामा कैनाल तो कौन सी कैनाल है जो पनामा से होकर नहीं निकलती है वो है हमारी न्यूयॉर्क सिडनी वाली ठीक है बच्चा चलो तो एटलांटिक और हमारा जो पैसिफिक ओशन है बेटा उसको आपस में जोड़ती है ये कैनाल गुड डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलो बच्चा तो यहां पर मैं अभी साइंस का और जीके का पोर्शन खत्म करती हूं बेटा बट अभी थोड़ी सी देर में आपकी घोषा मैम आएंगी और आपको इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट करवाएंगी कल हम लोग फिर एक बार एक अच्छे से मॉक टेस्ट के साथ में आपसे मिलते हैं देन थैंक यू जय हिंद जय जै भारत ओके हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू शार्य भारत सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल तो स्टूडेंट्स हम लोग uh, शुरू करने वाले हैं मॉक टेस्ट फॉर क्लास सिक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर सैनिक स्कूल हाय दिव्यांश, हेलो अलीशा हाय विश्व जय हिंद जय हिंद आदित्य राज हेलो कृष्ण, हाय सुषमा ओके हेलो टू ऑल तो स्टूडेंट्स फटाफट से फटाफट से क्लास को शेयर कर दिया अमंग ऑल योर फ्रेंड्स और प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल आर एम एस तो चलो खैर हो ही गया पेपर बट स्टिल एनी अदर एग्जाम एनी अदर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सॉरी वॉट टी डी हेलो कार्तिक हाय हाय सुमन हेलो कौस्तुभ ओके योर नेम इज़ अनिकेत हाय अनिकेत चलिए तो अब क्या चल रहा है भाई क्या माहौल चल रहा है आयशान शान ओके मैम टुडे इज माय बर्थडे हैप्पी बर्थडे आयुष वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू बेटा ओके बहुत खूब मजे करो खूब एंजॉय करो ऑल right? और खूब अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम को क्लियर करो बहुत अच्छे से एंड आर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल ऑल राइट मनो हाय मनो भाई मेरे भैया का नाम मेरे भाई का नाम मेरे प्यारे छोटे भाई का नाम भी मनो ही है आई एम रियली टू दिस नेम हाय विश्व जय जय हिंद हिंद टू ऑल अच्छा थैंक यू सो मच बेटा दिव्यांश हाय नवीन हेलो सुमन हाय पार्थ रेडी टू क्रैक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यस वेरी नाइस आई कैन फील द जोश इन यू ऑल ओके तो okay, so, के को को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज्यादा शेयर करना है ज़्यादा ज़्यादा से जादा करना है और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है उन सभी को चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है ये इसलिए ताकि रोज की जो क्लासेस हैं हमारी जो हमारी डेली क्लासेस है जैसे ही आप अपना सेल फोन उठाएं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कब किस समय आपको लाइव आ जाना है ठीक है या कोई भी और जो अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा बिना देर करते हुए क्लास को तो पैसेज आपका इस तरीके से है फटा फटाफट से देखिए स्टूडेंट्स अफार्मर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ आर सोसाइटी तो हमारी सोसाइटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है भैया किसान फार्मर he lives in a village वो विलेज में रहता है his house is very small उसका घर छोटा सा होता है it is generally not pakka और उसका जो घर है वो जनरली सामान्य तौर पे पक्का नहीं होता है और देखिए क्या बोला जा रहा है a farmer eats very simple food एक किसान बहुत ही ज्यादा सिंपल फूड खाता है ओके okay?

फार्मर इट्स वेरी सिंपल फूड ये सब हो गया वो मुश्किल से ही कभी कभार ही वेजिटेबल्स नॉट फ्रूट पर भी नहीं खाता तो वो क्या खाता है वो बहुत ही सिंपल फूड खाता है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है राइट नेक्स्ट देखिए क्या है द ड्रेस ऑफ अ फार्मर इज वेरी सिंपल फार्मर की जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है मैथ की जगह रीजनिंग हुई थी ना बेटा हाँ मैथ की जगह रीजनिंग हुई थी और देखिए ही धोती एंड कुर्ता वो धोती कुर्ता वेयर करता है दे आर मेड ऑफ खाती और जो धोती कुर्ता होते हैं वो खादी के बने होते हैं ही डज नॉट वेयर शर्ट एंड पैंट वो शर्ट पैंट नहीं पहनते फार्मर्स ठीक है farmers, और देखिए क्या बोला जा रहा है बहुत ही ईजी सा पैसेज है बहुत ही सिंपल सा पैसेज है और देखिए क्या हो रहा है हिज वर्क इज वेरी हार्ड उसका जो वर्क होता है वो बहुत ही टफ होता है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग वो सुबह जल्दी उठता है वर्क इन हिस्स फील्ड वो अपनी फील्ड में काम करते हैं He plows his land from morning till evening. वो अपने लैंड को जोतते हैं क्लो करते हैं कितने बजे तक चलेगी जब तक आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं होते सारे सब्जेक्ट के तब तक चलेंगी ठीक है चलिए ये देखिए ही ग्रोस फूड एंड ग्रेन्स ऑन हिस्स लैंड वो अपने लैंड पे फूड और ग्रेन्स ग्रो करते हैं He is the feeder of the world. वो पूरी दुनिया का फीडर है, मतलब हमें खाना खिलाने वाले हैं. Right? और देखिए नाउ ही एंड फर्टिलाइजर्स फॉर गुड क्रॉप अब वो ट्रैक्टर यूज करने लग गए और फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए ताकि जो क्रॉप्स हो, वो अच्छे हों हाय शांत बैठते हैं पेड़ के नीचे सब एक साथ बैठ जाते हैं और वहां पर वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं तो यह आपका पैसेज था स्वीट एंड सिंपल छोटा सा पैसेज था अब आ जाते हैं इस स्वीट एंड सिंपल पैसेज के स्वीट से क्वेश्चन पे पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डैश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट पैसेज के रिस्पेक्ट में बताइए कि क्या सही आंसर होना चाहिए था इन जनरल बेटा इन जनरल बात हो रही है है ना शर्ट <laughs> पैंट पहनते हैं आपके दादाजी मॉडर्न हो गए हैं भैया चलो ग्रेट प्रथमेष बहुत अच्छी बात है चलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू द फर्स्ट वन ठीक है तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए वेरी नाइस एवरीवन स्पीड में आंसर करना है सभी को पूरे जोश के साथ तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिए क्या फार्मर लिव्स इन अ कहां पे रहते हैं फार्मर्स क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा और जब भी आप आंसर करें बेटा क्वेश्चन नंबर लिख के आपको आंसर करना है जैसे फार्मर लिव्स इन अ विलेज सही आंसर है तो भैया टू का मेरा सही आंसर है बी इस तरीके से मैं आंसर करने वाली हूं और राइट right. चलो गुड एवरी वन गुड बहुत अच्छे लक्ष्मी एस एंड एवरी वन दिव्यांश वेरी नाइस चलिए थर्ड क्वेश्चन फॉर फार्मर फार्मर वेरी सिंपल सिंपल क्या खाता है farmer? बहुत ही सा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन टू का मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसका आंसर गलत हो वेरी नाइस थर्ड का क्या सही आंसर होगा क्या खाता है फार्मर क्या वो बटर खाता है व्हीट खाता है एप्पल खाता है या फिर फूड खाता है और कितना ईजिली हम सभी को समझ में आ गया और हमने आंसर कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट उसका क्या सही आंसर होगा फार्मर वेयर क्या पहनते हैं फार्मर धोती एंड कुर्ता दोनों अलग अलग लिखा हुआ है धोती एंड कुर्ता या फिर शर्ट बताइए विच वन शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हेयर फोर्थ का यहाँ पे मुझे आदित्य राज मौर्य का सही आंसर दिख गया अर्जुन सिंह का सही आंसर दिख गया कृषांग ने दे दिया दिव्यांश कार्तिक रिया ओमकार और इतने सारे स्पीड में बच्चे आंसर्स दे रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पर पा रही बट बहुत ही अच्छा आई कैन सी दैट आप सभी को कितना अच्छे से ये समझ में आया है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धोती एंड कुर्ता लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम आर स्वीट एंड सिंपल पैसेज जो कि है आपका इस तरीके से द फार्मर ड्रेस इज मेड ऑफ किस चीज से बनी होती है फार्मर की ड्रेस ओके फिफ्थ का भी सही आंसर यहाँ पे आने लग गया है फार्मर की ड्रेस किस चीज की बनी है सिल्क वूल खादी या कॉटन धोती एंड कुर्ता नॉट शर्ट बिल्कुल सही तो हमारा फिफ्थ का सही आंसर आदित्य राज वेरी नाइस और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी

अगले क्वेश्चंस आपको क्या दिए हुए सिक्स टू सेवन आपको बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो आई कैन नॉट एंजॉय डैश आई हैव एग्जाम मैं एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं अब आपको रीजन बताना है फाइव ऑन फाइव दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट वेरी नाइस तो यहाँ पे आपका सिक्स का भी सिंपल सा आंसर हो जाएगा मैं नहीं एंजॉय कर सकता क्योंकि मेरा सही क्योंकि मेरे क्या चल रहे हैं एग्जाम चल रहे हैं एम्पली रीज़न देने के लिए आप बिकॉज़ का यूज़ कर लेंगे बिकॉज़ का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना मिस्ड द बस कल्पना ने मिस कर दी बस डैश शी वाज ऑन टाइम अब बताइए क्या आएगा कल्पना ने अगर बस मिस कर दी तो इसलिए वो टाइम पे थी देयरफॉर और वो टाइम पे थी क्योंकि उसने बस देयरफॉर अगर लगा दिया ना तो ये बोलना चाह रहा क्योंकि उसने बस मिस कर दी ना इसलिए वो टाइम पे आ गई नहीं ऐसा नहीं है कल्पना मिस्ड द बस ज शिवजन टाइम क्योंकि वो टाइम पे थी उसने बस मिस कर दी नहीं कल्पना ने मिस कर दी बस फिर भी वो टाइम पे थी सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी ये भी वो टाइम पे थी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी ही आ रहे हैं सभी स्टूडेंट के तो मुझे लगता है यहां तक तो सबने सेवन ऑन सेवन स्कोर कर लिया है सही नहीं होगा देर फोर नहीं आंसर होगा सही देर फोर तो आपको रिजल्ट देता है बेटा कल्पना ने बस मिस करी उसका रिजल्ट क्या हुआ वो टाइम पे आई नहीं जी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहे फिर भी वो टाइम पे आई बस मिस करने के बावजूद भी वो टाइम पे आई लेट्स मूव ऑन टू आर एट क्वेश्चन एट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है मैं आपको पूरे फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन करवा के पूछूंगी कि भैया क्या स्कोर चल रहा है आप सभी का अ मैन हुइफ इज डेथ एक ऐसा व्यक्ति जिसका वाइफ जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है वो क्या कहलाता है यस डी वेरी गुड सेवन ऑन सेवन गैंग बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अ मैन वाइफ डेथ बेटा विडो तो होती है वो फीमेल जिसके की डेथ हो जाए तो ये नहीं होगा मतलब तो कत्ल करा है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा हो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी मैन के बारे में पूछा है ना चलो वेरी नाइस वेरी नाइस चलिए लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट सुपर सोनिक स्पीच से आंसर करेंगे क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से आप सभी करते फिरेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा एनिमल्स विच लिव इन वाटर एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं नाइन्थ का आदित्य राज ने दे दिया ठीक है uh, उत्कर्ष ने भी दे दिया तो वो होते हैं स्टूडेंट्स एक्वेटिक एम्फीबियंस कौन होते हैं जल्दी से बताओ एम्फीबियंस कौन होते हैं चैट कॉलम में बता दो एम्फीबियंस कौन होते हैं ठीक है अब ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जल्दी से बताओ ग्रिगेरियस कौन होते हैं झुंड में रहने वाले वेजिटेरियन हमें पता है, हमें पता है है एम्फीबियंस भी हमें पर आप सभी बताएंगे चैट कॉलम में कि एम्फीबियंस कौन होते हैं जल्दी से बताइए हां जी ब्रेक लेते हैं ब्रेक लेते हैं जरा बताओ एम्फीबियंस कौन यू हैव ऑल्सो गिवन द राइट आंसर गुड 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 बेटा के महेश सुशांत वेरी नाइस वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड ग्रिशांत मौली वेरी नाइस वेरी गुड रिया दिव्यांश ईशान्या बिल्कुल येशु आदित्य नायक उत्कर्ष ओके, तो वो एनिमल्स जो कि लैंड, वाटर दोनों में रहते हैं वो कहलाते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन एक पर्सन द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वेरी गुड नयांश वेरी नाइस एवरी वन गुड कार्तिक उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑटोक्रेसी क्या बोला जाता है व्हाट प्लूटोक्रेसी भैया वेल्दी लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो होती है प्लूटोक्रेसी व्हाट इज थियोग्रेसी थियोग्रेसी में भैया थीस्ट है थीस्ट तो भगवान के जो भी नियम कानून है वो फॉलो करते हुए जो भगवान के नाम पे गवर्नमेंट चला रहे हैं या भगवान आ, को में बहुत ज्यादा वो क्या कर सकते हैं आस्था रखने वाले लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसे अपन थियोक्रेसी बोलते हैं राइट चलो नेक्स्ट देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल राइट ये हमें पूरा पता ही है चलिए आगे मूव करते हैं राइट द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्राउड प्राउड वर्ड का एंटोनिम बता दीजिए यहाँ पे इलेवेंथ क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का भी आंसर देने लगे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स हाँ 10th का भी बिल्कुल सही है 10 on 10 आ चुके हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के गुड के महेश कुमार गुड ईशान वेरी नाइस वेरी नाइस एवरीवन चलो प्लीज प्लूटोक्रेसी uh, होता है भैया गवर्नमेंट बाय रिच पीपल वेल्दी पीपल रहीस लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है दैट इज प्लूटोक्रेसी Ah. Uh -huh. चलो तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा टेन ऑन टेन वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस चलिए लेट्स मूव ऑन टू द द द नेक्स्ट वन राइट ऑफ वर्ड वर्ड प्राउड प्राउड का antonym क्या होता है हमारा सही आंसर हो जाएगा हम्बल तो प्राउड का मतलब होता है जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जो अपने आप में गर्व रखते हो पर हम्बल पर्सन कौन होता है जो बोलता है भैया हम में बल नहीं है जो है वो आप में है राइट तो ये थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है और प्राउड पर्सन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट

चलो तो यहाँ पे ट्वेल्थ का भी सही आंसर आ गया मिजरी मिजरी का मतलब क्या होता है दुख कष्ट पीड़ा पीस का मतलब शांति ये तो बिल्कुल हैप्पीनेस जैसा ही पॉजिटिव वर्ड है मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक अभी का और मॉरल वैल्यूज तो हमें पता ही है नैतिक राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम तो टॉमी को क्या करा जाता है टॉमी को क्या करना है भैया टॉमी को करेंगे टेम टॉमी को क्या करेंगे टेम है ना तो भाई टेम को तुम टॉम से भी याद रख सकते हो तो पेट को क्या करा जाता है टेम करा जाता है है ना डोमेस्टिकेट करा जाता है ठीक है कंट्रोल में रखा जाता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर सिनोनिम पूछा होता तो चलो डोमेस्टिक हो सकता था या डोमेस्टिकेट हो सकता था पर एंटोनिम बताना है आपको तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका जो सही आंसर देगा मैं देखती हूँ कितने कितने लोग सही आंसर देंगे हाँ न, निलेश बहुत अच्छे बहुत अच्छे ओमकार बहुत अच्छे निलेश गुड गुड नयांश चलो तो नायांश ने सही आंसर दे दिया थर्टीन का सी तो बेटा सिनोनिम है आपको पूछा है एंटोनिम आपको पूछा है एंटोनिम एंटोनिम हो जाएगा डी अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी सबके स्कोर हिल चुके हैं भैया है, थर्टीन से ट्वेल्व पे आ चुके हैं डी सही आंसर होगा दैट इज वाइल्ड तो एक तो होता है पालतू टेम का मतलब टेम करना आपने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया आपने उसे पालतू बना दिया और उसका बिल्कुल उल्टएगा उल्टा हो जाएगा वाइल्ड या फिर फियर्स बोल सकते हैं आप ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ऑप्टिमिस्टिक का आपको सिनोनिम बताना है ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी और इसका बिल्कुल तो अब बताइए यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा गुड गुड एवरी वन गुड वेरी नाइस वेरी नाइस ऑल ऑफ यू चलो तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज होपफुल ऑप्शन नंबर ए दैट इज होपफुल

एरा 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 करके एक लड़की है और एरा को मम्मी बोल रही है एरा टिक जाना एरा टिक जाना राइट तो एरा क्या है भैया टिक नहीं रही एरा मतलब बहुत ज्यादा Uh, बदलती रहती है मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी, कभी उधर उछलती रहती है तो एरेटिक का मतलब क्या होता है निरंतर बदलने वाला कंटिन जो बदले जा रहा है जैसे अपन कैप्रिशियस भी बोलते हैं पिकलिंग भी बोलते हैं ठीक है थीके? वैसिलेटिंग भी बोलते हैं वेवरिंग भी बोल सकते इदर, उदर, इदर, उदर हो इधर उधर इधर उधर हो जा रहा है तो अब ऐसा पर्सन थैंक यू सो मच रिया बेटा ऐसा पर्सन जो एरेटिक हो वो कैसा होगा वो एकदम क्रेजी सा होगा राइट right? क्रेजी सा बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो क्या क्रेजी um, बोल दो बिजार बोल दो स्ट्रेंज बोल दो या फिर आप बोल सकते हैं क्या एबनॉर्मल तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल होता है बहुत ज्यादा क्लेवर शार्प बहुत ज्यादा शार्प एंड क्लेवर होता है कनिंग ओके यस डी विल बी द राइट आंसर कनिंग का मतलब होता है चतुर चतुर ओके चले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिए द किंग डाइड अब किंग मर गया कैसे मरा भैया अब राजा मर गया तो भाई राजा के बाल वाल तो इतने इंपॉर्टेंट होंगे नहीं तो ये हेयरलेस तो होगा नहीं ये हेयरलेस भी गलत है एयरलेस भी गलत है तो राजा क्या बिना उत्तराधिकारी के ही मर गया और उत्तराधिक को अपन बोलते हैं एयर क्या बोलते हैं एयर बोलते हैं एच ई आई आर ठीक है, है -e और ये भी ध्यान रखिएगा ये भी ध्यान रखिएगा कि बेटा सिक्सटीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एच ई ए आई एच ई आई आर अब ध्यान से देखिएगा थैंक यू सो मच कॉस्टो देखो क्या अब ये जो एयर एयर वर्ड है ना आपका इसका प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट होता है जैसे ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है ना वैसे ही एयर में भी एच साइलेंट होता है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी और अगर आ गया ना वर्ड एयर एस एयर एस का मतलब होता है उत्तराधिकारिणी उत्तराधिकारिणी फीमेल के बारे में बात होती है ओके okay? अब आपको इससे पहले पूछा जाता है आर्टिकल तो इसके पहले याद रखना भैया आर्टिकल एन आएगा क्या आर्टिकल आएगा एन एयर एन एयर ओके एन एयर ऑल चलिए तो आर्टिकल में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस वर्ड को लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सेवनटीन क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा सेवनटीन क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है ठीक है प्लीज रिमूव द प्लीज रिमूव द रेड भैया रेड तो होता है वो गेट रेड ऑफ वाला रेड ये भी गया ये वाला रीड क्या होता है ये ये वाला रीड होता होता है है पढ़ना पढ़ना भी नहीं होगा रिमूव क्या करोगे रीडू का मतलब दोबारा किसी काम को करना यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा रीड और रीड का मतलब होता है जो वो अनवॉन्टेड प्लांट्स होता है ना अनवॉन्टेड प्लांट्स अनवॉन्टेड प्लांट जिन्हें अपन वीड भी बोलते हैं राइट तो वो होते हैं भैया थोड़ी सॉरी करोगे सब हाँ आप सभी खुद ही जो अच्छा होता है ना खुद उसे दूसरे भी अच्छे लगते हैं तो मतलब आप सभी खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको मैं शायद अच्छी लग रही हूँ राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सो को बदलना है टू में है ना तो अब देखो क्या पहली बात यहां पे टू यूज नहीं करावा गया यहां पे टू यूज नहीं करावा गया अब इन दोनों ऑप्शन में से देखना है सेंटेंस देखो क्या दिया हुआ है सेंटेंस दिया हुआ है आपको

चलिए तो और देखिए क्या आएगा इज टू स्मॉल टू अलोन ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हमारा सही आंसर नहीं होगा नेगेटिव वर्ड का यूज़ uh, नहीं अपन ठीक है okay. ठीक है चलो और आगे देखिए जी और क्या बोल रहा है रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज अब हमें क्या करना है अब हमें बिना डिग्री चेंज करे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन आ गया हमें हमें क्या करना है बिना मीनिंग चेंज करे इसकी डिग्री बदल देनी है ठीक है चेंजिंग द डिग्री ऑफ डिग्री बदलनी है मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री को या तो पॉजिटिव में बदल दो भैया या फिर बदल दो आप कंपेरेटिव डिग्री में किस किस में बदल सकते हो या तो बदलो पॉजिटिव डिग्री में या फिर कंपेरेटिव डिग्री में बट आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए क्या मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बताओ इसका क्या सही आंसर होगा 19th का ए बोल रहे हैं रनिंग इज द इज बेटर एक्सरसाइज देन अदर एक्सरसाइज देखो ए तो सही आंसर हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अदर के बाद एक्सरसाइज नहीं आ सकता आना चाहिए था एक्सरसाइजेस ठीक है क्या आना चाहिए था एक्सरसाइजेस आना चाहिए था अच्छा ओके ओके चलो कोई बात नहीं एक कट्टा पहला समझ में आया पहला नहीं होगा नेक्स्ट देखो नो अदर एज गुड एज रनिंग ये हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या हुआ हमने इस बेटर को बेटर को गुड में बदल दिया यही तो बेस्ट को गुड में बदल दिया यही तो डिग्रीज हैं गुड बेटर और बेस्ट तो हमने किस में बदल दिया भैया पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया ये बिल्कुल सही है ना मीनिंग चेंज हुआ और ना ही आ, हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और सेंटेंस को हमने कन्वर्ट भी कर दिया रनिंगसरसाइज as as ये नहीं हो सकता क्योंकि मीनिंग ही बदल गया आपने आपने पॉजिटिव में तो बदला बट बोल दिया रनिंग तो भैया बाकी सारी एक्सरसाइज जितनी ही कब आएगा बेटा जब भी आएगा दिव्यांश पे पता चल जाएगा आपको चैट कॉलम में अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं देखो क्या मतलब रनिंग उतनी अच्छी है जितनी की दूसरी एक्सरसाइज ये हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम बोलना चाहते हैं रनिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ऑल राइट रनिंग इज नॉट सो गुड एज अदर एक्सरसाइज नहीं रनिंग सबसे अच्छी है यही तो बोलना है बी विल बी द राइट आंसर Okay, B will be the right answer.

सिखा चुकी हूं ठीक है ठीक है अब देखो जैसे मैंने लिखा नेहा नेहा इज नेवर एबसेंट नेहा कभी भी एबसेंट नहीं रहती तो क्या कर देंगे इसको अगर आपको पॉजिटिव में बदलना है मीनिंग नहीं बदलना तो ऐसा लिख दो नेहा इज ऑलवेज प्रेजेंट खत्म

और अब क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा आर यू राइट अब बताओ भैया नेगेटिव क्यों नहीं आया नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आ जाता है नेगेटिव तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा आर यू अगला देखो वी आर लेट अगेन आर वी नॉट या तो ऐसे लिखो या लिखो आरंट वी क्या लिख दो आर वी नॉट लिख दो या फिर Not को ले जाओ आर के पास शॉर्ट फॉर्म लगा दो आंटवी लिख दो तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया समझ में आया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और मुझे तो लगता है अब आप सभी को रट गए होंगे ओके okay जी क्या बाकी है भैया संजय सर बोल रहे हैं क्लास खत्म कर दो भाई कैसे खत्म कर दे तीन तीन बाकी हैं अभी करके और फिर क्लास खत्म करेंगे बहुत है जल्दी बता दो आ, का भी nice, like जरूरत है क्या सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से सब्जेक्ट इन नहीं है सब्जेक्ट रेस्टोरेंट्स तो नहीं होगा क्योंकि वर्ब फिर आपको देखनी पड़ेगी राइट टू ईट से भी टू बी प्रपोजिशन ऐसे शुरू नहीं होगा आई लाइक like से शुरू होगा सब्जेक्ट वर्ब आई लाइक टू ईट इन आपका क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए संजय सर बी फॉर तो यहाँ like nice restaurant वेरी इजी चलो नेक्स्ट का भी बताओ सही आंसर नेक्स्ट का भी बी ने जेनीज रूम इज ओके तो जेनीज अगर लिख दिया आप ऑस्ट्रॉफियस आया तो बाद में एक नाउन आना चाहिए अधिकार दिखाने के लिए और नाउन क्या रहेगा मैसी होता नहीं है वेरी होता नहीं है तो भाई जेनी के बाद तो रूम ही आएगा जेनीज रूम इज मतलब जेनी का रूम है क्या है भैया बहुत ज्यादा मैसी वेरी मैसी तो सही आंसर होना चाहिए बी सी डी ए वेर इज बी सी डी ए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों करना ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों करना इतना ईजी है ठीक है चलो नेक्स्ट देखो इज ओल्गा अ बुक रीडिंग बताओ क्या है क्या आएगा अब ऐसा भी हो सकता है इज ओल्गा रीडिंग अ बुक ये भी आ सकता है पर अगर तुम ऐसा बनाते इज ओल्गा रीडिंग a book तो ये सेंटेंस क्या बनता बेटा इंटरोगेटिव तो आपको बुक के बाद दिया होता ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क अगर तो क्वेश्चन मार्क दिया होगा ना तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ मतलब सिंपल सेंटेंस बनना चाहिए और सिंपल सेंटेंस बनना चाहिए मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो उल्टा कर दो इसको इसको बना दो ओल्गा इज रीडिंग अ बुक तो पहले आ जाएगा ओल्गा बाद में आ जाएगा इज तो सही आंसर क्या है बी ए और डी बी ए डी सी बी विल बी द राइट आंसर भैया सब में बी 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 ओके चलिए तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस अब बारी है आपकी मैथ की अब बारी आपकी मैथमेटिक्स की थैंक यू सो मच एवरीवन इट वाज लवली टीचिंग यू ऑल कल मिलेंगे जय हिंद टेक केयर बाय बाय